हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है। विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 1 नवंबर 2021 की है। आज की वर्कशीट में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, अब्दुल फजाल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, पूर्वजों का। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, अकबर। अब देखते हैं यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, मुगल काल में जात सवारों की संख्या के आधार पर एक प्रशासनिक पद का अधिकार किया गया था, जिसे मदसंबार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखिए, जब्त मध्यकाल में भारत भूमि राजस्व के निर्माण की एक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगल वंशावली की जो संक्षिप्त में हमें बताना है कि मुगल संस्थापक जो थे बाबर ने की थी उनकी स्थापना, और उनका पुत्र का नाम हुमायूं था। इसके बाद इसके आगे के पॉइंट देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी उनका पुत्र हुमायूं था। हुमायूं के बाद अकबर राजा बना। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर मुगल वंश के सम्राट बने, और जहांगीर के बाद उसका शाहजहां उनका अपना। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहां से आप पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। अभी सिर्फ आंसर बताए जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो क्या कहा गया है कि अकबर की नीतियों का संक्षिप्त लेख लिखिए। तो यहां से लेकर आप इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो क्या कहा गया है कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी परंपरा को अपने विचार में लिखिए। तो उनकी परंपरा थी निश्चित नहीं थी, कभी शहादात की परंपरा दिखती थी तो कभी वहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा दिखती थी। इसी वजह से मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हमेशा युद्ध होते हुए भी उस युद्ध को विजयी हुआ और उत्तराधिकारी उसी को मिला। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट। थैंक यू।